हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे नई वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम अपने टेक्नो के फ़ोन में जो स्क्रीन टाइमर प्रॉब्लम होती है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो स्क्रीन टाइमर प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो इस वीडियो को हम सिंपली शुरू कर देते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है, जो हमारे टेक्नो का फ़ोन है, टेक्नो के फ़ोन की मोबाइल सेटिंग्स होती है, उस सेटिंग्स को हमें ओपन कर देना है। तो हम सेटिंग्स को ओपन कर देते हैं सिंपली। तो गाइस हमारे सेटिंग्स ऑप्शन है, सिंपली हम सेटिंग्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सेटिंग्स ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का ऑप्शन शो होता होगा। तो डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नीचे तो स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको स्क्रीन टाइम आउट का ऑप्शन शो होगा। तो गाइस हम स्क्रीन टाइम आउट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। स्क्रीन टाइम आउट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के गाइस हमारा पहले से 30 मिनट्स पे सिलेक्ट हो रखा है। अगर गाइस ये आपका 15 सेकंड्स पे इस तरीके से सिलेक्ट होगा तो गाइस आपके करने से आपको 30 मिनट्स या फिर आपके यहाँ से 2 मिनट्स से कुछ भी आपको मिनट से आपके यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो जैसे कि जैसे हम 30 मिनट्स बाद क्लिक कर देते हैं, 30 मिनट्स पर क्लिक करने के बाद गाइस ये होगा कि आपकी जो ऑटो स्क्रीन होती है, जो स्क्रीन होती है आपकी, वो ऑटोमेटिकली ऑफ नहीं होगी, सिर्फ 30 मिनट्स बाद ऑटोमेटिकली अपने आप ऑफ हो जाएगी। तो इस तरीके से इसको स्क्रीन को ऑफ और जो स्क्रीन टाइम आउट प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं अपने टेक्नो के फ़ोन में। मतलब अगर आपके यहाँ पर फ़ोन साइज़ को चेंज करना है तो यहाँ पे आपको फ़ोन साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं। इजी है गाइस, आपके जैसे फ़ोन साइज है, हम जैसे पहले लार्ज कर देते हैं। लार्ज करने के कुछ तरीके से आपका फ़ोन साइज़ दिख रहा होगा, तो इसको हम स्मॉल करते हैं। स्मॉल करने के बाद गाइस आपका जो फ़ोन साइज़ है बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने फ़ोन साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं अपने टेक्नो के फ़ोन में। तो गाइस आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत थैंक यू।